हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे सेकेंड चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मेरे सेकेंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात दोस्तों कि अगर आप अपने घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट या वाईफाई का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जियो फाइबर एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। जियो फाइबर आपको आपके बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करता है। जियो फाइबर आपको डाटा स्पीड और टाइम के हिसाब से बहुत ही सही प्राइस में अच्छे ऑफर्स दे रहा है। तो अगर आप भी जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करके अपने घर में वाईफाई लगवा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो जियो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लिंक है। ये लिंक खुद जियो कंपनी ने मुझे प्रोवाइड कराया है, क्योंकि जियो कंपनी अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का कैंपेन एडवर्टीजमेंट करवा रही है। तो अगर आप बहुत सस्ते और अच्छे प्राइस में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जियो फाइबर के ऑफर्स चेक कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रवि शर्मा जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे और शुभम नाम के मेरे एक दोस्त के साथ साल 2017 के नवंबर महीने में हुई थी। दरअसल साल 2017 में मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। उस शादी का इनविटेशन मेरे दोस्त शुभम के घर भी आया था, इसीलिए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ में ही शादी में जाने वाले थे। मेरे पास बाइक है और मैं अपनी बाइक लेकर ही शुभम के साथ शादी में गया था। फिर रात को 11:30 बजे हम दोनों शादी से वापस घर आने लगे। घर वापस लौटते समय हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया था जो कि जंगल से होकर गुजरता था। ये रास्ता अल्मोड़ा के कैंट फॉरेस्ट चौकी नाम की जगह के पास से होकर निकलता है और इस रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी घने जंगल भी हैं। रात के समय वो रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है, लेकिन तब भी हम अपनी बाइक लेकर उसी रास्ते से होकर जा रहे थे क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उस सड़क पर काफ़ी अंधेरा रहता है, इसलिए वहां पर रोशनी के लिए हम लोग पूरी तरह से अपनी बाइक की हेडलाइट पर ही निर्भर थे। हम लोग बाइक लेकर उस सड़क से गुजर रहे थे कि तभी हमें उस रास्ते पर आगे एक सफ़ेद रंग की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति किसी इंसान के आकार की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे धुएं से बना कोई इंसान सड़क के बीच में खड़ा हो। उस आकृति को देखकर पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन तभी बाइक पर बैठे शुभम ने भी मुझसे कहा कि भाई वो सड़क पर क्या है। जब शुभम ने ये बात कही तब मैं समझ गया कि वो धुंधली आकृति मेरी आंखों का धोखा नहीं है बल्कि वो सच है। खैर, फिर मैंने शुभम की बात पर कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे वो धुंधली आकृति एक औरत का रूप लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस धुंधली आकृति के अंदर से कोई औरत बाहर आ रही हो। ये देखकर मैं और शुभम हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर कुछ ही देर में मैं उस धुंधली आकृति के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, लेकिन इतनी देर में ही वो धुंधली आकृति एक औरत बन चुकी थी। उस औरत ने लाल साड़ी पहन रखी थी और सड़क के बीच में खड़ी होकर वो सीधा हमारी तरफ ही देख रही थी। ये सब देखकर मैं समझ गया था कि वो औरत एक आत्मा है। खैर, फिर मैंने तुरंत ही अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और फिर मैं बाइक लेकर उस औरत के थोड़ा दूर से होते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मैं अपनी बाइक लेकर उस औरत के बिल्कुल पास पहुँचा, वैसे ही ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने अपनी नज़र उस औरत की तरफ घुमाई, वैसे ही मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ है और उसके चेहरे से मांस गलकर टपक रहा है। ये भयानक नज़ारा देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल गया था।
फिर मैंने भगवान का नाम लेते हुए बहुत स्पीड से बाइक भगाई और सीधा अपने घर पर आकर रुका। घर पहुंचकर मैंने ये घटना अपने परिवार वालों को भी बता दी। तब इस घटना के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने मुझे डांट लगाई और साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुम्हें उस सुनसान रास्ते से आने की क्या ज़रूरत थी, आखिरकार तुम दूसरे रास्ते से भी तो घर आ सकते थे। डांट लगाने के बाद घर वालों ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। फिर इसके बाद अगले दिन मुझे और शुभम को बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमारा बुखार ठीक भी हो गया। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 में दिल्ली के ग्रीन पार्क नाम की जगह पर हुई थी। दरअसल साल 2016 में मैं पढ़ाई करने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली गई थी। दिल्ली में मैंने ग्रीन पार्क नाम की जगह पर एक कमरा किराए पर लिया था। जिस मकान में मैंने कमरा लिया था उसकी मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। उस औरत के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसके बच्चे अमेरिका में रहते थे। उस औरत के बच्चे कभी कभार ही दिल्ली में अपनी माँ के पास आते थे। उस घर में बूढ़ी औरत के साथ साथ एक पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। वो पति पत्नी उस बूढ़ी औरत और उसके घर की देखभाल करते थे। उन पति पत्नी की एक 6 साल की बेटी भी थी जिसे मैं अक्सर उस घर में खेलते हुए देखा करती थी। खैर, फिर उस घर में रहकर कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद मैंने एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली। अब कॉलेज से आने के बाद मैं अपने काम पर चली जाती थी और फिर रात को काम से लौटकर मैं अपने लिए खाना बनाती थी और पढ़ाई करती थी। जॉब करने की वजह से मुझे अपने कमरे की सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए एक दिन मैंने उस घर की देखभाल करने वाली उस महिला से कहा कि क्या आप मेरे कमरे की भी सफाई कर दिया करेंगी, मैं आपको इसके पैसे दे दिया करूँगी। मेरी बात पर वो महिला मेरे कमरे की सफाई करने को तैयार हो गई। तब उसी दिन से रोज़ सुबह वो महिला मेरे कमरे में झाड़ू पोछा लगा दिया करती थी। फिर एक बार संडे वाले दिन जब मेरी छुट्टी थी तब मैं अपने कमरे में सुबह देर तक सो रही थी, तभी सफाई करने वाली वो महिला मेरे कमरे में आई और सफाई करने लगी। उस समय तक मैं भी नींद से जाग गई थी। फिर जब वो महिला मेरे कमरे में सफाई करके जाने लगी तब मैंने उससे कहा कि सुनिए, आपकी बेटी कहीं पढ़ने नहीं जाती है क्या? वो हमेशा मुझे खेलते हुए ही दिखती है, मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरी बात पर वो महिला बहुत हैरान होकर मुझसे बोली कि अरे दीदी, हमारे कोई बच्चा होगा तभी तो पढ़ने जाएगा ना, हमारे कोई बच्चा ही नहीं है तो पढ़ने कहाँ से जाएगा। उस महिला की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर आपके कोई बच्चा नहीं है और इस घर की मकान मालकिन भी अकेले रहती हैं तो वो बच्ची कौन है जो अक्सर मुझे इस घर में दिखाई देती है। मेरी ये बात सुनते ही वो महिला बहुत डर गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उससे कोई बहुत ही डरावनी बात कह दी हो। इसके बाद वो महिला मुझसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली गई। उसका ये बर्ताव मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर अगले दिन जब वो महिला मेरे कमरे की सफाई करने आई तब मैंने उससे फिर पूछा। मैंने उससे कहा कि आपने कल मेरी बात का जवाब नहीं दिया था कि आखिर वो बच्ची किसकी है जो इस घर में रहती है। मेरी बात का उस महिला ने फिर से कोई भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने थोड़ा गुस्से से उससे पूछा कि क्या हुआ, आखिर आप बता क्यों नहीं रही हैं कि वो बच्ची कौन है। फिर मेरे इतना कहने पर उस महिला ने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गई कि अगले 3 दिन के अंदर ही मैंने वो घर खाली कर दिया। दरअसल मेरे बहुत जोर देने पर उस महिला ने मुझे बताया कि जिस बच्ची को मैं उस घर में खेलते हुए देखती हूँ वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझसे पहले भी उस घर में कई किराएदार आए हैं और उन किराएदारों को भी वो बच्ची दिखाई देती है और उसी बच्ची की वजह से ही उस घर में कोई भी किराएदार नहीं टिकता। उस महिला की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने उस महिला से पूछा कि अगर इस घर में कोई आत्मा रहती है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तब मेरी बात का जवाब देते हुए उसने मुझसे कहा कि इस घर में रहने का हमें कोई भी किराया नहीं देना पड़ता है और साथ ही यहाँ काम करने का हमें अच्छा पैसा भी मिल जाता है। अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमारी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा किराया देने में ही चला जाएगा, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर नहीं जाते हैं।
उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तो तुमको उस बच्ची की आत्मा के बारे में पता है लेकिन तब भी तुम यहाँ रहती हो। तब मेरी बात पर उस महिला ने कहा कि हाँ, हम उस बच्ची के बारे में जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती और ना ही वो किसी को डराती है, इसीलिए हम उससे डरे बिना यहाँ आराम से रहते हैं। उस महिला की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। खैर, फिर मैंने उस महिला से उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पूछा, ना मैंने ये पूछा कि वो बच्ची किसकी है और ना ही ये कि उसकी मौत कैसे हुई थी। फिर इस घटना के 3 दिन बाद ही मैंने वो घर छोड़कर एक दूसरे घर में किराए का कमरा ले लिया। इन 3 दिनों के दरमियान भी मुझे वो बच्ची दिखाई देती थी, लेकिन अब वो बच्ची मुझे खेलते हुए नहीं दिखती थी, बल्कि अब वो बहुत उदास होकर मुझे देखती रहती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्ची जान गई हो कि मैं वो घर छोड़कर जाने वाली हूँ और इस बात से वो बहुत दुखी भी हो। वैसे तो मुझे उस बच्ची की आत्मा से डर लगता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके लिए बहुत दुख भी होता था। मैं सोचती थी कि काश मैं उस बच्ची की कुछ मदद कर पाती। मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं राजस्थान के अलवर शहर में रहता हूँ और आज मैं आपको एक रियल पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूँ। ये घटना कोई बहुत डरावनी घटना नहीं है, लेकिन ये घटना मेरे लिए बहुत खास है। ये घटना मेरे दादाजी से जुड़ी है और ये घटना साल 2011 में हुई थी। तो ये बात है साल 2011 की, तब मैं 10वीं क्लास में था। तो हुआ ये कि एक बार संडे वाले दिन मैं सुबह देर तक सो रहा था। नॉर्मली मुझे रोज़ सुबह स्कूल जाना रहता था, लेकिन संडे वाले दिन छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह देर तक सो रहा था। तो जब सुबह मैं सो रहा था, तभी मेरे कमरे में दादाजी आए और मेरे पास आकर वो मुझे नींद से जगाने लगे। उस समय मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने उबासी लेते हुए उनसे कहा कि अरे दादाजी, मुझे सोने दीजिए, आज संडे है। दादाजी से इतना बोलकर मैं फिर से सोने लगा, लेकिन तभी मेरे दादाजी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरी नींद गायब हो गई और मैं बहुत घबरा गया। दरअसल मुझे नींद से जगाने के बाद दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ बेटा, इसलिए मुझे आखिरी बार देख लो। वैसे तो उस टाइम मैं बहुत नींद में था, लेकिन दादाजी की ये बात सुनकर मैं इतना हैरान रह गया कि मेरी नींद ही गायब हो गई। फिर जब मैं अपने बेड पर उठकर बैठा, तब मैंने देखा कि दादाजी मेरे कमरे में नहीं हैं। फिर तभी मुझे याद आया कि मैं अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोया था, इसलिए बिना मेरे लॉक खोले दादाजी मेरे कमरे के अंदर आ ही नहीं सकते थे। इस घटना से मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि ये सब मुझे किसी सपने जैसा लग रहा था। इसके बाद मैं अपने बेड पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे अपने घर में लोगों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया और फिर मैं तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद जब मैं अपने मम्मी पापा के पास गया, तब मुझे पता चला कि आज सुबह ही हार्ट अटैक की वजह से मेरे दादाजी की मौत हो गई है। ये जानकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या मेरे दादाजी की आत्मा मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी। इस घटना से मैं बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। दादाजी की मौत से मुझे बहुत झटका लगा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी थी कि वो आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे। मैं जानता हूँ कि ये कोई डरावनी घटना नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम नीरज मिश्रा है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ गुजरात से बिहार जाने के दौरान हुई थी। दरअसल मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से मैं गुजरात में रहकर जॉब कर रहा हूँ। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो भयानक घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2019 की है। तब छठ के त्यौहार पर मैं गुजरात से अपने घर बिहार जा रहा था। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देवता को कई तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। ये त्यौहार बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो साल 2019 में छठ त्यौहार के 3 दिन पहले
मैं बिहार जाने वाला था। मैंने गुजरात से बिहार के लिए ट्रेन में एसी कोच की एक सीट भी बुक कर ली थी। मेरी ट्रेन रात को निकलने वाली थी, इसलिए मैं ट्रेन छूटने से काफ़ी पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। फिर स्टेशन पहुंचकर मैं अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। इसके बाद रात को 11 बजे ट्रेन भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। गुजरात से बिहार तक का सफ़र काफ़ी लंबा है, इसीलिए ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही मैं अपनी बर्थ पर ही सो गया। मैं अपनी बर्थ पर आराम से सो रहा था कि तभी अचानक किसी आदमी ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा कि भाई साहब, आप बता सकते हैं अभी टाइम क्या हुआ है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर मैं नींद से जाग गया। फिर मैंने नींद में ही अपने मोबाइल में टाइम देखा और उस आदमी से कहा कि भाई अभी रात के 3 बज रहे हैं। इतना बोलने के बाद जब मैंने उस आदमी की तरफ नज़र घुमाई, तब वहाँ का नज़ारा देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल गया। दरअसल मैंने देखा कि मुझसे टाइम पूछने वाला वो आदमी असल में ट्रेन के बाहर खड़ा है। वो आदमी ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा होकर मुझसे टाइम पूछ रहा था, जबकि उस समय भी ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से भाग रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर कोई आदमी चलती ट्रेन के साथ साथ कैसे भाग सकता है। फिर जब मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि असल में वो आदमी चलती ट्रेन के साथ भाग नहीं रहा है, बल्कि वो हवा में उड़ते हुए ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ये भयानक नज़ारा देखकर डर के मारे मेरी नींद गायब हो गई। इसके बाद जब मैंने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है और उसके पूरे चेहरे से बहुत खून भी टपक रहा है। ये देखकर डर के मारे मैं ज़ोर से चीख पड़ा। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर मेरे आसपास सो रहे बाकी लोग भी नींद से जाग गए। फिर जागने के बाद उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम चीखे क्यों। तब उन लोगों के इतना पूछने पर मैंने उन्हें भी खिड़की के बाहर खड़े उस भयानक आदमी के बारे में बता दिया। फिर मेरी बात सुनकर ट्रेन में मौजूद बाकी लोग भी ट्रेन की खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन हैरानी की बात थी कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेन के साथ उड़ रहा वो भयानक आदमी अब अपनी जगह से गायब हो चुका था। ये सब देखकर ट्रेन में मौजूद बाकी लोगों को लगा कि शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए ज़्यादा घबराओ नहीं और आराम से सो जाओ। मुझसे इतना बोलने के बाद सभी लोग वापस से अपनी सीट पर जाकर सो गए। इस घटना के बाद मैं वो पूरी रात नहीं सोया। खैर, इस घटना के बाद वो भयानक आदमी मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा, लेकिन इस घटना के बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया। अब मुझे ट्रेन में सफ़र करने के दौरान सोने से डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि मैं कोई भी काल्पनिक स्टोरी नहीं सुनाता हूँ। अगर मैं कोई भी काल्पनिक स्टोरी आपको सुनाऊँगा, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में खुद ये बात बता दूँगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेना हो या वाईफाई लगवाना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके जियो फाइबर के ऑफ़र्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।